जी मैं हारिस आज़ाद प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव पंजाब यूनिवर्सिटी का सदर हूँ जी। आज प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की जानिब से हमने GCU से लेके पंजाब असम्बली तक स्टूडेंट सोलिडारिटी मार्च हमने किया, और हर साल हम ये मार्च नवंबर के आखिरी हफ्ते में करते होते हैं। और इस मार्च की बुनियादी डिमांड ये है कि मुल्क में 1984 में जिस तलबा यूनियन पे बैन लगाया गया था वो बैन ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ी डिमांड हमारी है फिल फोर बैन ख़त्म करके और मुल्की सतह पर इलेक्शन कराए जाएँ। और उसका दूसरा मुतालबा ये है कि जितनी जगहों पर सैलाब आया है उस जगह के जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे बहाल किया जाए, और उसके जो स्टूडेंट बड़े शहरों में तालीम हासिल कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को फ़ीस जो है उनकी अगले साल की भी माफ़ की जाए। उसके बाद कैंपसेस के अंदर जो ख्वातीन को जिंसी रासानी का सामना करना पड़ता है उसका सदबाब किया जाए और जिंसी रासानी कमेटी बनाई जाए जिसमें ख्वातीन की तालबात की नुमाइंदगी लाजमी बनाई जाए। उसके अलावा हम यहाँ से ये भी मुतालबा रखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर 3G 4G जो सर्विस है वो दी जाए, और उसके बाद स्टूडेंट्स के जितने भी मसाइल हैं कैंपसेस के अंदर उनका हल किया जाए, और जो फाटा और वज़ीरिस्तान में और सिंध में बलूचिस्तान में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर रेंजर्स मौजूद है, रेंजर्स को यूनिवर्सिटियों से निकाला जाए और यूनिवर्सिटियों को एक पुरअमन माहौल दिया जाए। इस सारे काम के लिए ये जद्दोजहद जारी है जो हर साल की तरह इस साल भी हमारे मार्च की सूरत में नज़र आई।